अंतर्राष्ट्रीय पर्व दिवस के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा के जीवी पंत पर्यावरण संस्थान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिमालय और पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के असर पर चिंता व्यक्त की गई। वहीं वैज्ञानिकों ने कहा है जिस तरीके से दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है वो खतरे की घंटी है, रोक नहीं लगी तो उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इस सम्मेलन में हिमालय क्षेत्रों में कार्य कर रहे देश भर के 15 बड़े संस्थानों ने हिस्सा लिया है, जबकि 30 संस्थानों के एक्सपर्ट प्रतिनिधि सेमिनार में मौजूद रहे। वहीं देश भर और नेपाल से 120 हिमालय एक्सपर्ट इस सम्मेलन में मौजूद रहे। या कोई भी पहाड़ में दुनिया के प्लेन्स का जो एवरेज गर्मी होने वाला है उससे 1.5 गुना करीब करीब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अभी देखिए 1.5 डिग्री का बातचीत हो रही है, लेकिन जो रुख है वो उल्टा है। जैसा मैंने कहा कि जो ग्रीन हाउस गैस का कंसेंट्रेशन है वो पिछले साल से 403 से बढ़कर 408 हो गया। इस पर्वत दिवस के उपलक्ष्य में जब हमने आज इस 3 दिवसीय कार्यशाला या सेमिनार को हमने कंक्लूड किया है तो उसमें 2-3 बातें उभर के आई थी। जैसा कि पहले दिन जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो उस दिन ये बात स्पष्ट हो गई थी कि हिमालयी क्षेत्र में जो जलवायु परिवर्तन का असर है या जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रभाव पड़ जा रहे हैं वो और क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। तो इसको अभी हमारे साथियों ने भी कहा कि ये एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस के रूप में